पे बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या हमारे घरों में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है? यस, हमारे घर में दिन भर एनर्जीज का फ्लो चलता है, वो चाहे एनर्जी नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो आज हम इसी बात में बात करेंगे कि हमारे घरों में क्या नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। मायसेल्फ अनीता जलानी, पिनाकल वास्तु कंसल्टेंट फ्रॉम जयपुर। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया मुझे कि तुम मेरे घर का वास्तु कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपना मैप मुझे भेजिएगा। मैंने उसका मैप किया, रीडिंग करी, सब कुछ सही आ रहा था। जो वो मुझे प्रॉब्लम्स अपनी बता रही थी कि उनके घर में अनबन चल रही थी, मतलब पैसों के रिलेटेड भी कहते कि बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, इन लॉज के साथ नहीं बनती, और तू तू मैं छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहता है। मैंने उनका साउथ वेस्ट चेक कर लिया, नॉर्थ ईस्ट चेक कर लिया, किचन की डायरेक्शन सही चेक कर ली, कहीं अग्नि तत्व तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, एंटी कलर कोई नहीं था, एंटी एक्टिविटी नहीं थी। जब ये कुछ बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती, स्कैनर से भी मैंने पूरा चेक किया, लेकिन स्कैनर से भी कुछ दिशाएं कोई भी गलत नहीं आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि अब कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो किस वजह से आ रही हैं। फिर मैंने अपने स्कैनर से चेक किया कि उस क्या उस घर में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो है। तो हाँ, मैंने वहाँ देखा कि नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने उसे एक छोटी सी बात कही कि आप एक ये या तो आपके पास प्योर सी सॉल्ट हो तो वो यूज़ कर लो, नहीं तो पिनाकल का वास्तु सॉल्ट आता है वो यूज़ करके देखो। उसने कहा यार इतनी छोटी सी चीज़ से क्या ये ठीक हो सकेगा? मैंने कहा तो मेरे कहने से एक बार ये वाली चीज़ करके देखो। मैंने उनको अपना पिनाकल वास्तु सॉल्ट दिया, उन्होंने चार कोनों में रखा और उनके घर में मैंने सब जितने भी मेम्बर्स थे उनको बोला कि आप सॉल्ट को पानी में डाल के नहाया करो, और उसके बाद में उनके घर में पोछा लगवाया सॉल्ट के वाटर से। तो आप ये देखिए कि जो वो बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने कहा कि चलो अनीता कह रही है तो मैं ले जाती हूँ, लेकिन जब उसने लगाना शुरू किया 3-4 डेज उसके इफेक्ट आने लगा। उसने मुझे बोला कि हाँ अभी घर में थोड़ी शांति बनी हुई है। तो मैंने कहा तुम चलो ठीक है होने दो धीरे धीरे। उसके बाद 7 डेज के बाद देखा कि बोले मम्मी पापा भी थोड़े शांत हैं, घर में भी बच्चे सुन रहे हैं और सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने लगी है। तो कई बार ये चीज़ देखिए। फिर मैंने अपने स्कैनर से चेक किया 15 डेज के बाद में, मैंने अपने स्कैनर से चेक किया, जो एनर्जीज पहले नेगेटिव आ रही थी वो पॉजिटिव होने लगी थी। तो आज हम इसी बात पे है कि कई बार हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, अगर हम छोटी छोटी उपाय कर लें वो लाइफ में, अगर अपने लाइफ में शामिल कर लें तो हमारी लाइफ में मतलब एक शांति आ जाती है, सक्सेस मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। धन्यवाद।